आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी वाला पार्ट। तो छोटा सा ही टॉपिक है एंड बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं, फटाफट से देख के खत्म करते हैं। फर्स्ट इज यूज ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया था मिशन डेफ स्पेस एट द एनुअल डिफेंस एक्सपो, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो तो आप जानते हो, जहाँ पे डिफरेंट डिफेंस बेस्ड इक्विपमेंट्स का जो है वो एक तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, ताकि उसके लिए बायर्स मिल सके। ठीक है, तो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर ने इसका एक आइडिया लॉन्च किया था डेफ स्पेस का। इस डेफ स्पेस में बेसिकली आइडिया ये है कि हम कुछ ऐसे इनोवेटिव सोल्यूशंस लेकर आए आर्म फोर्सेस के लिए इन द स्पेस डोमेन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश डिफेंस बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, प्लस जो स्टार्टअप्स हैं, उन सबको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। और इस मिशन के अंदर 75 चैलेंज रखे गए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि जानते हो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो सब जगह आप 75 देख रहे हो, रामसर साइट में भी 75, यहाँ पे भी अगेन 75 चैलेंजेस ओपन किए गए थे फॉर इनोवेटिव सोल्यूशन, जिसमें डिफेंस का इस्तेमाल हो सके स्पेस डोमेन में, इसके रिगार्डिंग ये सब चीजें थी। अब हम स्पेस फॉर डिफेंस बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखो, स्पेस और डिफेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने कर दिया। अब इसके जो डिमेंशन निकलते हैं वो दो टाइप का होगा, या एक है कि स्पेस कंट्रोल, जहां पे आप अपने किसी एनिमी को या एडवर्सरी को अलाउ नहीं करते स्पेस में एंटरी। ठीक है, या उसके एनिमी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो, तो उसको स्पेस कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था स्पेस कंट्रोल। नेक्स्ट है स्पेस फोर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप स्पेस के अंदर ऐसे वेपन्स बना सकते हो, या ऐसी सैटेलाइट डेवलप कर सकते हो जो कि वेपन कैरी कर सकता है। जैसे कुछ साउथ इंडियन मूवी, एक मूवी थी टिक टिक नाम से, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया था कि न्यूक्लियर वेपन जो है ऊपर सैटेलाइट के अंदर रखा गया है, और जब उस सैटेलाइट से वो ड्रॉप किया जाएगा, तो वो जब सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स से अपने आप ही वो एक हाइपरसोनिक स्पीड ले लेगा। ऐसे में मिसाइल है, उसको ट्रैक कर पाना या उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस मैकेनिज्म को डिप्लॉय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हाइपरसोनिक स्पीड बहुत हाई होती है। ठीक है, अभी जो हमारे पास सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा सुपरसोनिक भी, एट मैक्स मैं कह रहा हूँ, बट हाइपरसोनिक उससे भी ऊपर है, यानी Mach 5 से ऊपर की स्पीड पे सैटेलाइट वो जो मिसाइल है वो पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये एक फील्ड हो सकता है आप डिफेंस इक्विपमेंट या जो वेपन्स है उसको स्पेस में डिप्लॉय करने का। ठीक है, तो दो चीजें होती है, स्पेस कंट्रोल और स्पेस फोर्स एप्लीकेशन। अब स्पेस फोर्स एप्लीकेशन में एक और डायमेंशन आ जाता है कि यहाँ पे हम सिर्फ स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्ट्स की में बात करें, हम बात करें ऐसे मिसाइल्स की या ऐसे डिलीवरी व्हीकल्स की जो अर्थ से, यानी अर्थ की सरफेस से स्पेस में जाके मार कर सकते हैं। जैसे इफ यू रिमेम्बर, इंडिया ने भी एक एंटी सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, उस मिशन का नाम था मिशन शक्ति, जिसके अंदर हमने एक माइक्रो सैटेलाइट जो था उसको उड़ाया था, जो लो अर्थ ऑर्बिट में था। ठीक है, तो ये दो डिमेंशंस होते हैं डिफेंस के, स्पेस सेक्टर के अंदर। अगर अब तक क्रोनोलॉजी हम ट्रेस करने की कोशिश करें, तो 1950s और 60s के अंदर हम लोग देखते हैं, जब यूएसएसआर और यूएस के बीच में, अमेरिका के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब बहुत तरीके के नए नए इनोवेटिव सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, जो काम ये कर रहे थे लाइक कम्युनिकेशन, रिकॉनिसेंस, जो कि आर्मी को एड कर रहे थे। ठीक है, आर्मी को हेल्प कर रहे थे। इसके साथ साथ ही इस दौरान एंटी सैटेलाइट वेपन भी लॉन्च हुए, जैसा इंडिया ने लॉन्च किया था, वैसे ही मिशन इन लोगों ने भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, 1980s में एक बहुत फेमस प्रोग्राम है कॉल्ड स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स जो है, इस प्रोजेक्ट के अंदर यूएस ने यूएसएसआर के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, उनको ट्रैक करना शुरू किया था यूजिंग स्पेस बेस्ड सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद स्पेस बेस्ड टेक का या डिफेंस का हम लोगों ने और भी कई जगह इस्तेमाल देखा, जैसे गल्फ वॉर था 1991, नाटो इंटरवेंशन इन कसोवो। ठीक है, तो इन जगह पे एप्लीकेशन देखने को मिला। इंडिया के रेस्पेक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इफ यू रिमेम्बर 1999 का जो कारगिल वॉर था, उसके अंदर इंडिया ने यूएस से उसके जीपीएस के थ्रू कुछ सैटेलाइट इमेज मांगी थी, जिसके थ्रू वो टेररिस्ट को ट्रैक डाउन कर सकता है, लेकिन तब यूएस ने डिनाई कर दी थी वो रिक्वेस्ट, जिसके रेस्पॉन्स में आज इंडिया ने नाविक बनाया है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब अगर हम बात करें ये
स्पेस वेपन की, तो इसमें बहुत सारे रेंज ऑफ वेपन्स आ सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन्स एंड अ वेराइटी ऑफ स्पेस टू अर्थ वेपन. ठीक है, क्या आप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हो या स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट जो हमने मिशन शक्ति के अंदर लॉन्च किया था वैसा सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला एक वेपन डेवलप कर रहे हो, या ऐसा कुछ वेपन जो कि स्पेस से अर्थ के ऊपर मार कर सकता है. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें पता होना चाहिए. अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्यों ये स्पेस बेस्ड डिफेंस की जो बात है बहुत तेजी से बढ़ रही है. इंडिया ने भी लॉन्च किया है, तो इंडिया ने लॉन्च किया है तो वो कुछ रिस्पॉन्स में लॉन्च किया है. तो इससे पहले अंडर डोनाल्ड ट्रंप यूएस ने अनाउंस कर दिया था कि वो एक डिफेंस स्पेस फोर्स खोलेंगे. ठीक है, तो उसी के बाद से स्पेस बेस्ड डिफेंस जो है उसमें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल जुड़ गया है. ठीक है, जिसकी वजह से एक और आर्म्स रेस डेवलप हो रही है इन द स्पेस सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये जो स्पेस रेस चालू हुई है बिटवीन यूएस यूएसएसआर डिफेंस के रेस्पेक्ट में, दिस हैज क्रिएटेड जियोपॉलिटिकल चेन रिएक्शन. अब बाकी कंट्रीज भी जाएंगी, यानी चाइना, इंडिया. ठीक है, तो ये कंट्रीज भी अब जाएंगी टुवर्ड्स अर्मिंग या टुवर्ड्स यूजिंग डिफेंस इन स्पेस. नेक्स्ट, चाइना का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो चल रहा था वो 1991 में खत्म हो गया. बट उसके बाद हम देख रहे हैं चाइना का राइज हो रहा है. चाइना इज टेकिंग द प्लेस ऑफ दैट आर्म्स रेस, और चाइना ने इस डायरेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, जैसे कि 2007 में इन्होंने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था. ठीक है, तो अभी तक टोटल चार ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट है वो किया है. कोई नाम बताना चाहेगा या गेस करना चाहेगा कौन सी चार कंट्रीज है? यूएस, रसिया, चाइना है क्या? करेक्ट, इंडिया भी है. एंड इंडिया इज द लास्ट. करेक्ट, तो इंडिया लास्ट कंट्री थे जिसने ये किया था. और उसके बाद स्पेस डेब्री का बहुत थोड़ा सा न्यूज में सुनने को मिला था. ठीक है, स्पेस डेब्री से रिलेटेड आपको पता ही होगा, हम एक कीवर्ड पढ़ते हैं कॉल्ड केसलर. कैसलर. करेक्ट, कैसलर सिंड्रोम. तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जब भी स्पेस बेस्ड डेब्री के बारे में लिखोगे तो कैसलर सिंड्रोम का रेफरेंस जरूर आना चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं क्या हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग बॉडी है जो कि स्पेस के अंदर जो वेपनाइजेशन है उसको रेगुलेट कर सकती है. तो आंसर इसका, अभी हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑल्दो हमारे पास एक ट्रीटी है. अभी ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए. दिस ट्रीटी इज नॉन एट UNCOPUOS. दिस इज यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस टू गवर्न एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ स्पेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. ठीक है, अब ये पूरा जो कमेटी है इसके अंदर कुछ ट्रीटीज आ जाती हैं. पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी, जहां पे एक बेसिक फ्रेमवर्क मिलता है कि इंटरनेशनल स्पेस लॉ कैसा होना चाहिए, जिसमें हम कवर करते हैं कि जो स्पेस है उसका पीसफुल यूज होना चाहिए और किसी तरीके का भी इसमें वेपन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. ठीक है, और लाइबिलिटी किसकी होगी, लेट्स से कोई स्पेस व्हीकल लॉन्च किया गया या इंडिया ने सपोज GSLV लॉन्च किया गया. ठीक है, और वो गलती से उसका जो रॉकेट है, क्योंकि आप जानते हो रॉकेट जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं जैसे स्पेस लॉन्च होता है धीरे धीरे, और ये जो डेब्री होता है या जो स्पेस डेब्री कचरा जो होता है ये रॉकेट्स का, ये वापस अर्थ के ऊपर गिर जाता है. और कई बार ये हो सकता है कि किसी लैंड बेस्ड एरिया पे गिर जाए, ऑल दो कोशिश इसीलिए की जाती है कि इसे हम पानी के आसपास अराउंड जो एरियाज है वहां छोड़े, ताकि अगर वो कुछ गिरता भी है तो वो पानी में ही जाके गिरे. ठीक है, सो यहाँ पे अगर लेट्स से कोई स्पेस बेस्ड व्हीकल वापस गिर जाता है जमीन पे और उससे किसी कंट्री में नुकसान हो जाता है, तो इस केस में लाइबिलिटी जो है उस स्टेट की मानी जाएगी जहां से ये स्पेस ऑब्जेक्ट लॉन्च हुआ है, फिर चाहे ये प्राइवेट कंपनी ने किया हो या फिर किसी सरकारी कंपनी ने किया हो. ठीक है, दिस वॉज आउटर स्पेस ट्रीटी, ये बताना चाहिए. नेक्स्ट, रेस्क्यू एग्रीमेंट है. रेस्क्यू एग्रीमेंट जैसे एक मूवी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मार्शियन देखी है किसी ने? ठीक है, तो मार्शियन में, हाँ मार्शियन में कंसेप्ट बस सिंपल सा था कि मैट डेमन जो एक्टर होता है वो मार्स के ऊपर मिशन में जाता है और वहां जाके फंस जाते हैं. ठीक है, वो अकेला. तो इस सिचुएशन में, क्योंकि आप एकदम रैंडमली एक स्पेस व्हीकल को लॉन्च नहीं कर सकते. ठीक है, कि कल मन किया या कोई फंस गया तो उसके लिए कल लॉन्च कर दें, ऐसा कर पाना एक स्पेस एजेंसी के लिए मुश्किल है. लेकिन हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अमंग डिफरेंट स्पेस एजेंसी, चाहे नासा हो, इसरो हो, या चाइना की
कोई स्पेस एजेंसी हो या जापान की स्पेस एजेंसी हो, तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू के लिए काम करें ऐसे एस्ट्रोनॉट के लिए जो फर्स्ट फंसे हैं डिस्ट्रेस में। ठीक, वैसे इतना कोई प्रोमिनेंट एग्जाम्पल तो नहीं है, बट एक मूवी के थ्रू इसलिए समझाया। नेक्स्ट लाइबिलिटी कन्वेंशन है। तो देखो लाइबिलिटी जैसे पहले ही बताया था कि अगर कोई स्पेस व्हीकल वापस गिर जाता है या उससे कोई नुकसान हो जाता है किसी और कंट्री को, तो उसके लिए लाइबिलिटी लॉन्चिंग स्टेट पे होगी। ठीक है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, यानी जो भी स्पेस व्हीकल या स्पेस ऑब्जेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, स्पेस में डिप्लॉय कर रहे हो, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं आपका मन किया और आपने स्पेस व्हीकल को लॉन्च कर दिया, पहले उस रजिस्ट्रेशन कराओगे और फिर उसमें जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो चेक की जाएंगी कि हाँ वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, क्या वो सेफ है कि नहीं, और उसके बाद लॉन्च की परमिशन दी जाती है। लास्ट है मून एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया मून एक नेचुरल रिसोर्स है और कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड का, तो इस मून एग्रीमेंट के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट मिशन याद आ, अगर आप लोगों को याद आ रहा है, ब्री शीट नाम से, किसी को याद है ब्री शीट किस कंट्री ने लॉन्च किया था? ब्री शीट, ठीक है, तो ब्री शीट इसराइल ने लॉन्च किया था, और इस ब्री शीट मिशन के अंदर उन लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग का कोशिश किया था बट वो फेल हो गया था। बट इस मिशन में एक और चीज थी कि इसमें टार्डीग्रेड्स नाम के एक ऑर्गेनिज्म को डाला गया था, तो कई स्पेस एक्सपर्ट का कहना था कि ये मून एग्रीमेंट के खिलाफ है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को वहां पे भेज के मून को गंदा कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे पांच कन्वेंशन या ट्रीटीज अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया क्या कर रहा है इस प्लेस के ऊपर, ठीक है, या इस फ्रंटियर के ऊपर, दैट इज स्पेस डिफेंस। तो देखो पहला हमने पब्लिश किया है एक डिफेंस स्पेस विजन 2020। हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड स्पेस सेल लॉन्च किया है विद इन द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मतलब तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब में कॉमनली हम लोग ये इंटीग्रेटेड स्पेस सेल यूज कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। ठीक है, तो ये थोड़ा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है, और कहने का मतलब है कि समय से पहले। ठीक है, ये बाकी कंट्री शायद इतना आगे नहीं निकले इस रेस के अंदर, और इंडिया ने थोड़ी सी लीड ले ली है इफ वी एक्सक्लूड चाइना, यूएस एंड रशिया। नेक्स्ट स्टिम्युलेटेड वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज किया है, इसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, यानी हमने एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर दिया। एक्सरसाइजेस का मतलब ये नहीं कि हम एक्चुअली में जाके वहां पे मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करें स्पेस में, ये कंप्यूटर एडेड जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ये एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज GSAT-7 सीरीज। ठीक है, तो कोई बता सकता है GSAT-7 सीरीज में हमने अब तक कितनी सेटेलाइट्स लॉन्च करी है? एनी आइडिया? चलो ठीक है, गेस मारो कितनी लॉन्च करी होगी। पांच नहीं सर, पांच नहीं है, अभी केवल दो ही सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट का नाम है GSAT-7, ऑल्सो नोन एज रुक्मिणी। ये कौन यूज करता है? ये इंडियन नेवी यूज करती है। फिर हमारे पास है एक GSAT-7 सैटेलाइट, जिस 7A सैटेलाइट जिसका नाम है, ये कॉमन नेम एंग्री बर्ड नाम से हम इसको जानते हैं, और ये वाली जो सैटेलाइट है ये यूज करती है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास GSAT-7 है, GSAT-7A है। अब जैसे हमने बात किया कि दो हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, नेवी और एयरफोर्स जो है वो इनको यूज करें, लेकिन आप देखोगे आर्मी के पास कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। ऑल्दो आर्मी यूज कर रही है, आर्मी को एक तरीके से परमिशन मिली हुई है टू यूज GSAT-7 7A जो एयरफोर्स यूज कर रही है। ठीक है, तो इसकी परमिशन मिली हुई है और पार्टनरशिप में थोड़ा सा वो यूज करते हैं दोनों, एयरफोर्स भी और इंडियन आर्मी भी, लेकिन अब बात हो रही है कि हम एक डेडिकेटेड सैटेलाइट बनाएंगे जो आर्मी के पास रहेगी, तो सैटेलाइट सीरीज का नाम होगा GSAT-7B। ठीक है, तो ये याद रखने का है अपने उसमें। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड अपने लिए हो जाता है, दैट इज मिलिट्री सिविल फ्यूजन। यानी देखो सैटेलाइट्स का लॉन्च तो बढ़ ही रहा है, जैसे अगर हम बात करें SpaceX का, तो उसके जो फाउंडर है इलॉन मस्क ने, उन्होंने एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो
इस टाइप से और भी प्राइवेट फॉर्म्स जो है या पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो भी सैटेलाइट लॉन्च करें. और ये जो सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, इनके बहुत सारे यूजेस हैं. और एट द सेम टाइम ये सैटेलाइट जो है ड्यूअल पर्पज के लिए हो सकते हैं. मतलब दिखने में वो सिविल लग सकते हैं, लेकिन वो मिलिट्री के भी काम कर सकते हैं. जैसे रिकॉनिसेंस, कि मेरे को किसी बॉर्डर पे निगरानी रखनी है, किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर निगरानी रख रही है, तो मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ. तो ये ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकता हूँ, कि वो सिविल और मिलिट्री पर्पज दोनों के लिए यूज हो सकती है. तो उस सेंस में हमारे पास एक इफेक्टिव स्पेस डिफेंस होना बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. अब आते हैं कि हम ये जो गेम चल रहा है या आर्म्स रेस चल रही है स्पेस में, उसको कैसे कर्व कर सकते हैं. तो पहला, आप लेके आओ एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ या ट्रीटी, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रीटी है उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू हम एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स, बाकी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स है उनका प्रोलिफरेशन रोक सके, डेवलपमेंट रोक सके, डिप्लॉयमेंट रोक सके. ठीक है. एंड इट शुड ऑल्सो कवर लैंड बेस्ड स्पेस डिफेंस इक्विपमेंट्स. ठीक है. जैसे कोई अर्थ से मिसाइल स्पेस के अंदर मार कर सकती है. ठीक है. तो इस टाइप की जो चीजें हैं उन सबको रोकना है हमें. नेक्स्ट, ग्लोबल कोऑपरेशन क्रिएट करें. इसमें एक और कीवर्ड है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, डिजास्टर मिटिगेशन, डेब्रीज रिमूवल. ये सब चीजों में हमें ग्लोबल कोऑपरेशन क्रिएट करें. फिर इफेक्टिव गवर्नेंस की बात आ सकती है स्पेस के अंदर. ठीक है. क्योंकि अभी हमारे पास कोई बॉडी नहीं है जो ये सब चीजों को देख सके होलिस्टिकली, तो हम एक बॉडी क्रिएट कर सकते हैं. सो लास्टली कंक्लूजन पे अगर हम आए, तो देखो नीड ऑफ द आर है, बिकॉज जो सिविल और मिलिट्री जो यूज थे इन स्पेस इक्विपमेंट के, वो काफी ब्लर हो चुके हैं. ठीक है. तो इसलिए दिस इज द नीड ऑफ द आर टू फॉर इंडिया टू बेसिकली क्रिएट डिटरेंस इन स्पेस डिफेंस. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेस डिफेंस पार्ट. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. ठीक है. किसी को अगर नहीं, हाँ बोलिए. का बोल रहे वेर यू टॉकिंग अबाउट स्टारलिंक प्रोजेक्ट इलॉन मस्क का? हाँ करेक्ट. स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का नेटवर्क तैयार किया. तो इस टाइप से और भी कंट्रीज तैयार कर रही हैं और स्पेस बेस्ड व्हीकल्स को लॉन्च कर रही है. तो उस चक्कर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता था कि हम भी एटलीस्ट एक डिटरेंस जरूर तैयार रखें. इसमें आई थिंक एक पॉइंट मिस आउट हो गया था मेरे से, दैट इज एक डॉक्ट्रिन तैयार करें. डॉक्ट्रिन मतलब स्पेस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. डॉक्ट्रिन एक तरीके का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या दिया जाएगा. जैसे अगर आप जानते हो, इंडिया में हमारे पास एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हम लोग यही बोलते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करेंगे, और अगर हम पे कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करता है, यानी न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल या केमिकल, तो हम उसका जवाब न्यूक्लियर स्ट्राइक से देंगे. ठीक है. तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है. अब हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिया, तो ये दुश्मन के दिमाग में डेटरेंस क्रिएट करता है कि द एनिमी विल नॉट ट्राई टू डू एनी काइंड ऑफ मिस एडवेंचर. ठीक है. जैसे अगर हम बात करें टेररिस्ट अटैक की, तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन नहीं है टेररिस्ट अटैक को लेके. जैसे 26/11 हमला हुआ, तो हमने पॉसिबली कोई रिटेलिएशन मतलब पब्लिक डोमेन में तो नहीं किया. बट जैसे अभी पुलवामा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा बालाकोट हम लोगों ने किया था. ठीक है. तो वहां पे भी रिस्पॉन्स जो था वो काफी एडहॉक था. कहने का मतलब कि हमने दुश्मन को ये नहीं बता रखा था कि हम रिस्पॉन्स क्या देंगे. ठीक है. तो अगर पहले से ही दुश्मन को पता रहता कि अगर आप इंडिया के अंदर टेररिस्ट स्ट्राइक करोगे तो हम आपके ऊपर एरियल स्ट्राइक कर देंगे, अगर दुश्मन को पहले से ये बात पता रहती तो शायद वो टेररिस्ट अटैक ही नहीं करता. ठीक है. तो इस टाइप से एडहॉक मैकेनिज्म नहीं चल सकता. हमें क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा कि क्या हमारा डॉक्ट्रिन है और क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकता है कोई भी एडवर्सरी जो मिस एडवेंचर करता है हमारी टेरिटरी में. ठीक है. तो स्पेस डॉक्टर, स्पेस सिक्योरिटी डॉक्टर ने इसमें आप एक वे फॉरवर्ड के तौर पर जरूर ले सकते हो. ठीक है. ऑल राइट. ठीक है. किसी का और कोई एडिशन नहीं है तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. हिमांगी मैम, आपका था ये आर्टिकल, तो प्लीज कंटिन्यू. यस सर. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. सो रोल ऑफ कम्युनिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड द विलेजेस, इनफैक्ट एवरी विलेज विच आर एट द बॉर्डर्स विल बी नोन एज फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री. और जो लोग वहां पर रह रहे हैं बॉर्डर पर, वो कंट्री के स्ट्रॉन्ग गार्ड्स हैं.
देयरफॉर इट इज हाईलाइटिंग द रोल ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन बॉर्डर मैनेजमेंट. तो ये लोकल पॉपुलेशन और वहाँ के जो लोग हैं, विलेजेस हैं, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है. सो लेट सी दिस इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर फर्स्ट. तो सबसे ज़्यादा जिसकी डिस्टेंस है नेबर कंट्रीज़ में, इंडिया जिसके साथ शेयर करता है, वो है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर्स. मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, और इंडिया चाइना के बीच में और इंडिया अफगानिस्तान के, वो जो लाइन डिवाइड करती है, उनके नाम है, तो वो तीनों नाम रिस्पेक्टली कोई बताना चाहेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल अफगानिस्तान की लाइन, इंडिया यूरोप लाइन पाकिस्तान. कह रहे हैं. नहीं सर. हाँ मैं बता देता हूँ. और थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन है, सर. तो कंफ्यूजन थोड़ा ये रहता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, उसको हम कॉमनली कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है, विच इज LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जम्मू कश्मीर के रीजन में हमें देखने को मिलती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि उसने कश्मीर का पार्ट भी कैप्चर करा हुआ है. नेक्स्ट एक और लाइन आती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन. ये आती है सियाचिन के ग्लेशियर में, ठीक है. सियाचिन जो था एक मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू हम लोगों ने उसको मिलिटराइज करा था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू पुट क्लेम्स ऑन सियाचिन ग्लेशियर. तो वहां पे ये तीन लाइन्स को आपका डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए. फर्स्ट इज इंटरनेशनल बॉर्डर, ऑल्सो नोन एज रेड क्लिफ लाइन. वही सेम चीज ईस्ट पाकिस्तान या करंटली बांग्लादेश के साथ भी आ जाती है. दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, जो आपको जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिलता है. और नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर के पास, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन बोलते हैं. फिर हम आ जाते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान लाइन, इसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है, इसका हम लोगों से ज्यादा कोई लिंक नहीं है. नेक्स्ट चाइना के साथ हमें तीन एरियाज में ये लाइन देखने को मिलती है, मैकमोहन जॉनसन और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है. तो वो थोड़ी सी ब्लर्ड है. जैसे अगर हम बात करें LOC एकदम डिमार्केटेड है, कि ये इतना रीजन पाकिस्तान के पास है और इतना रीजन हमारे पास है, लेकिन LAC में ऐसा कुछ डिमार्केशन नहीं है, एक बहुत लंबा बफर एरिया छोड़ा हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है. तो जॉनसन और मैकमोहन लाइन, ये आपको पता होना चाहिए. सो आई गेस इतनी लाइन्स थी, है ना. सर, विच एरिया इज लाइक विच लाइन इज मैकमोहन, विच लाइन इज जॉनसन? जॉनसन आई थिंक लद्दाख रीजन के अंदर है, और मैकमोहन लाइन जो है अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है उसके अंदर पड़ जाती है. एक बार मेरे को भी चेक करना पड़ेगा ये, किसी को राइट कंफर्मेशन. सर. हाँ राइट. अच्छा कूल है, यू करेक्ट सर. ठीक है मैम, कंटिन्यू कर देंगे. ओके. So having said that, let's proceed the importance of community engagement in border management. सबसे पहले तो ये होगा इस community engagement से कि एक secure और safe border को हम ensure कर पाएंगे. It would help enhancing security and development of orders besides providing a sense of belonging to these people. जैसा कि हम जानते हैं, जो border पर लोग रहते हैं वो थोड़ा आइसोलेटेड या कहें कटा कटा सा फील करते हैं मेन जो लैंड है इंडिया का, क्योंकि वो बॉर्डर पर हैं, तो उनके अंदर एक तो सेंस ऑफ फियर रहता ही रहता है. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कि जैसे कि अभी चाइना का अरुणाचल प्रदेश पर वो क्लेम करता है, तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं स्पेशली बॉर्डर पर, वो कंफ्यूज होंगे कि हम किसके अंडर हैं, चाइना के या इंडिया के. तो वो डिलेमाज ना हो, इसलिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आएगी इन लोगों में अगर हम ये कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं. दे आर द फर्स्ट इन लाइन व्हेन इररेगुलर इवेंट्स टेक प्लेस एट द बॉर्डर. इन एडिशन, लोकल कम्युनिटीज कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल पर्सन एज वेल एज द रिस्क फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ. जाहिर सी बात है, जो लोग वहां के लोकल हैं उनको ज्यादा बेहतर नॉलेज होगी कि क्या वल्नरेबिलिटीज हैं या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं. इसलिए भी इन कम्युनिटी इंगेजमेंट्स का होना स्पेशली बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है. इम्प्रूव्ड सिचुएशनल अवेयरनेस,
Border communities hold vast amounts of intimate knowledge on the area, characteristics of the terrain, etc. फिर वही बात यहाँ रिपीट हुई है कि क्योंकि वहां ही के लोग, लोकल जो लोग हैं, उनको ज्यादा बेहतर अच्छे से पता होता है हर चीज का, क्या टेरेन है, क्या किस एरिया में कहाँ कितना ज्यादा रिस्क फैक्टर है. तो इससे हम सिचुएशनल अवेयरनेस हमको रहेगी, तो हम और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी गार्डिंग फोर्सेस को, या कोई भी मिसहैपनिंग होने से रोकने के लिए. एनहेंस्ड सर्विलांस, आर्मी तो है ही है बॉर्डर पर, लोकल भी साथ देंगे सर्विलांस में, तो इसलिए एनहेंस हो जाएगा. इन द डिफिकल्ट एरियाज लाइक कोस्ट, फिशरमैन वॉच ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड टू फिल इन लार्ज गैप्स एग्जिस्टिंग इन द सर्विलांस कवर ऑन अ रेगुलर बेसिस. दे कैन एक्ट एज गाइड्स टू द आर्म्ड फोर्सेस. इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स रेगुलरली कंडक्ट कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम, बहुत जरूरी है. तभी तो फिशरमैन जो कोस्टल विलेजेस में हैं, या ये जो गार्ड्स हैं, सर्विलांस करने में काफी हेल्प करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज. अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन बॉर्डर मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन राइट्स और इनहिबिट अनड्यूली द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल. काफी रिस्की हो जाता है क्योंकि बॉर्डर पर है और काफी सेंसिटिव जोन भी होता है वो, पर अगर कम्युनिटी इंगेजमेंट रहेगी, लोगों से बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा लोकल पीपल से, तो ह्यूमन राइट्स को भी हम अपहोल्ड कर पाएंगे. यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी मैकेनिज्म्स, इम्प्रूव्ड इंटरेक्शन विद लोकल पॉपुलेशन वुड अलाउ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कम्युनिटी बेस्ड पोलिसिंग अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट. Also, it will enhance the utilization of community mechanisms for managing challenges and conflicts. ये summarize करके बोल दिया है. देखा जाए तो सारे ही points में यही mention किया गया है कि ये all in all हमें help ही करने वाले हैं surveillance में, guarding forces को और बेहतर करने में. Others में बोला है can help in building mutual trust and confidence. Engaging communities is a form of citizen engagement that leads communities to contribute to their own protection while ensuring respect towards the sovereignty of the state. दोनों ही चीजें, स्टेट की भी सॉवरेनिटी को आप ध्यान में रखते हैं और अपनी खुद की भी हिफाजत कर सकते हैं. चैलेंजेस क्या हैं इन लोकल कम्युनिटीज की इंगेजिंग बॉर्डर मैनेजमेंट में? इनएडिक्वेट स्टेट कैपेसिटी, एथनिक होमोजेनिटी अलाउज कम्युनिटीज टू एंगेज अक्रॉस बॉर्डर्स. State capacities to manage the process are notably weak, as can be seen in poor or non-existent border infrastructure. तो border पर हमारा या तो है ही नहीं, या है भी तो बहुत ही poor infrastructure है, जिसकी वजह से हम दूसरे border के उस side जो है वहां पर engage करना शुरू कर देते हैं. तो ये state capacity की inadequacy है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. बेसिक इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल इज मिसिंग, कैन नॉट बी मेंटेन, या तो मिसिंग है और अगर है भी थोड़ी बहुत तो उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल आर बैडली पेड एंड इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड एटसेट्रा. हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज भी देखी होगी कि जो लोग वहां पर बॉर्डर पर हैं उनके साथ भी कोई अच्छी से जैसे रखना चाहिए डिग्निटी वैसी नहीं है. इवन इफ इट इज कमिंग टू फूड, दे आर नॉट प्रोवाइडेड गुड फूड. तो बैडली पेड भी है और इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड भी है. एलिनेशन ऑफ बॉर्डर कम्युनिटीज, इंडियाज बॉर्डर पॉपुलेशन इन जनरल क्वाइट ऑफन फील डिससेटिस्फाइड, एलिनेटेड एंड शो होस्टाइल एटीट्यूड टूवर्ड्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. सच एटीट्यूड, उसका रीजन भी है. अभी हमने जैसे देखा है असम, नागालैंड, ये सारे जो रीजन्स हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर सोल्जर्स को लगता है कि ये, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना कि ये एक्चुअल सिटीजन्स हैं या बाहर के लोग हैं, और उसमें फिर लड़ाई हो रही है, शूटिंग हो रही है, तो ये सब डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है. इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिटी एंगेजमेंट्स को कंडक्ट करें. Such attitude is owing to the restrictive nature of tasks performed by forces, which is generally against the interest of local population. For instance, prevention of smuggling activities lead to a perceived feeling that authorities unnecessarily interfere in the means of livelihood of local populace.
अब वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है देखा जाए तो यही है, स्मगल करना, पोचिंग करना, हंटिंग करना, और इन सारी चीजों पर अगर गवर्नमेंट रोक लगाती है तो उनकी लाइवलीहुड के लिए फिर वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स भी तो नहीं दे रही है, तो उनको लगता है कि हमारा ही नुकसान कर रही है गवर्नमेंट, तो इसलिए भी उनके अंदर होस्टाइल एटीट्यूड आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप है इन मेनी एरियाज, बॉर्डर पर्सनल हैव लिटिल कम्युनिकेशन विद द लोकल पीपल टू प्रिवेंट कन्वेंस विद स्मगलर्स एंड अदर क्रिमिनल्स। फील्ड लीडरशिप कीप्स मिनिमम कॉन्टैक्ट विद द लोकल विलेजर्स ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब यूपी, बिहार, एमपी या सदर्न स्टेट्स के भी लोग नागालैंड, मिजोरम, असम, इन सब जगहों पर रिक्रूट हो रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी बॉर्डर है, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती है। कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आप बताएंगे कैसे या उनकी सुनेंगे कैसे, तो इसलिए लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हेंस अ कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट विच इज डेट्रीमेंटल टू अ कॉन्जेनियल वर्किंग एनवायरमेंट। बॉर्डर फेंसिंग एंड कनेक्टेड प्रॉब्लम, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेंसिंग हैज ऑल्सो जेनरेटेड मेनी डिफरेंसेज बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड बॉर्डर अथॉरिटीज। एक्सेस टू द फार्म लैंड अक्रॉस द फेंसिंग इज रेगुलेटेड। फ्रीक्वेंट फ्रिस्किंग एंड टाइमली गेट ओपनिंग आर इरिटेंट्स टू फार्मर्स। बार बार आप वही सिक्योरिटी के नाम पर उनकी फ्रिस्किंग कर रहे हो, जानते हुए कि अब तो ये लोकल है, मतलब ऐसा कुछ कंफर्म कर दो ना कि हाँ भाई इनको पहचानते हैं, ये लोकल है और ये ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। तो ये जो बार बार का आपका सिक्योरिटी चेक होता है, कंटिन्यूस फ्रिस्किंग वगैरह और उनके फार्मलैंड को फेंस वगैरह कर देना, ये सब नहीं होगा तो भी कम्युनिकेशन आप अच्छे से जनरेट कर पाएंगे उनके साथ। एजिटेशन अप्रोच, ऑफन द क्रिमिनल्स विद वेस्टेड इंटरेस्ट वर्क अगेंस्ट बॉर्डर पर्सनल एंड एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज। लोकल पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग हिडन इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड सोशल प्रेशर कम्स इन सपोर्ट ऑफ सच वेस्टेड इंटरेस्ट। कश्मीर में देखा जाए तो ज्यादातर यही वाला अप्रोच फॉलो किया जाता है। क्रिमिनल्स ऑफन एंश्योर दैट सच इंसिडेंट्स रिजल्ट इन अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द बॉर्डर अथॉरिटीज एंड द पब्लिक। लैकुना इन मैकेनिज्म्स, इन मेनी केसेस कोऑपरेशन बिटवीन बॉर्डर कम्युनिटीज एंड अथॉरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट बट ऑफन इन एन एडहॉक एंड इनफॉर्मल वे, दिस मेक्स देम अनरिलायबल एंड स्लो। ऊपर से जो ऑर्डर आना चाहिए एक अश्योरिटी की, आपकी जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो अभी हमने चैलेंजेस डिस्कस किए, इसको मिटिगेट करेंगे या इसके कुछ ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करने के गवर्नमेंट भी कोई ध्यान देती नहीं है, तो इसलिए भी वो अनरिलायबल हो जाते हैं अपनी कंट्री के लिए। नाउ इनिशिएटिव्स अभी तक क्या लिए गए हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेकर, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एनविसाज करता है कवरेज ऑफ बॉर्डर विलेजेस, नॉर्दर्न बॉर्डर हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गोल्स गेन्स। कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एक्जीम्स इज प्रपोज अंडर वीबीपी, जो बाकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको इनमें कन्वर्ट कर दिया गया है वीबीपी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, हैबिटेशन लोकेटेड विद इन 0 to 10 किलोमीटर फ्रॉम द फर्स्ट हैबिटेशन एट इंटरनेशनल बॉर्डर इन 16 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। ये 2 यूटीज कौन सी हैं कोई बताएगा? जम्मू कश्मीर है ना एंड लद्दाख। यस सर। और ये जो सेकेंड पॉइंट है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि इम्प्लीमेंट कौन करता है और क्या किलोमीटर्स कितना है, इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे। अंडर बीएडीपी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनुअल एक्शन प्लान्स ऑफ द स्टेट यूटीज कंसिस्टिंग ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, ब्रिजेस, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम भी आई है, ये एम करती है कि आपका जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करेगी, इम्प्रूव करेगी, बॉर्डर मैनेजमेंट को, पुलिसिंग को, गार्डिंग द बॉर्डर स्पेशली। एनहेंस्ड बजटरी एलोकेशन फॉर बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको और ज्यादा बजट
इन्होंने अलाउ किया है, यूनियन बजट 2022-2023 में ये मेंशन भी किया है दैट दे हैव इंक्रीज द कैपिटल आउटले फॉर बीआरओ बाय रिकॉर्ड 40% एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये काफी अच्छा एनहेंसमेंट है। बीआरओ इज नॉट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनहेंस्ड ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस बट मेकिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। क्योंकि वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग कर रही है बीआरओ तो बॉर्डर प्रिपेयरनेस तो होगी ही होगी, पर इनडायरेक्टली वो सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी काफी हेल्पफुल हो रही है, डेवलपमेंट भी वहां के लोगों का हो पा रहा है। तो बीआरओ का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, इसलिए भी इनका ये जो फाइनेंस है इसको इंक्रीज करना जरूरी था। तो ये सारे तो मेजर्स लिए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब मेजर्स टू इंटीग्रेट लोकल कम्युनिटीज इन बॉर्डर मैनेजमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सबसे पहले देखें कि लोकल लोगों का क्या रुझान है, फ्रेमवर्क्स उसके हिसाब से बनाएं, लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड हो। दे कैन बी एस्टेब्लिश टू क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द अथॉरिटीज एंड द कम्युनिटीज। वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज होंगी उनको भी होगा कि हाँ मेरी जगह है तो मुझसे एटलीस्ट इन्होंने कंसेंट तो मांगा, मुझे कंसिडर तो किया, तो ट्रस्ट डेवलप होगा। इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉर्डर कम्युनिटी, रिलेशनशिप बिटवीन बॉर्डर अथॉरिटीज एंड बॉर्डर पॉपुलेशन शुड बी व्यूड एज मैनेजमेंट फंक्शन। This can be achieved by providing adequate security, improving basic amenities and living conditions and assisting in generating employment opportunities. Border authorities should also ensure a strict adherence to code of conduct, ethical standards of discipline and integrity and attempts on attitudinal changes. क्योंकि उनको बेहिसाब पावर मिल जाती है कि आप किसी को भी शूट कर सकते हो और उसको फिर उसके ऊपर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी नहीं हो सकता है, तो वो किसी पर भी गन चला देते हैं। तो ये सारी जो चेंजेस लाने की जरूरत है तभी आप लोकल कम्युनिटीज के साथ बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट कर पाएंगे। पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन बॉर्डर फोर्सेस एंड लोकल कम्युनिटी कैन एसेंशियली सर्वाइव ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। टू रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग बाई बॉर्डर मैनेजमेंट, गार्डिंग की जगह आप बॉर्डर मैनेजमेंट ले आइए ये कॉन्सेप्ट, ताकि वहां के लोकल्स तो मतलब आपकी जो फोर्सेज हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, लोकल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ग्राउंड लेवल पर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी शेयर्ड बाई द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एफर्ट्स डाल रही, स्टेट और सेंट्रल दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट 2001 रिकमेंडेड एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग बॉर्डर। 2001 में ये रिकमेंडेशन आ गई थी कि आप बॉर्डर के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, पर अभी भी 20 सालों में भी वो उस लेवल का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। स्पेशली टू वीन द बॉर्डर पॉपुलेशन फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज वही स्मगलिंग वगैरह। इम्प्रूविंग द कम्युनिटी रिलेशंस अबिलिटी ऑफ बॉर्डर पर्सनल, सम स्टेप्स इन दिस रिगार्ड आर सिस्टमैटिक रीअप्रेजल ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म अगेंस्ट द फोर्स पर्सनल, लर्न लोकल लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होता है तो आपको लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए। रिस्पेक्ट करें वुमेन को, एल्डरली पर्सन को रिस्पेक्ट करें, वहां के लोकल कस्टम्स को। कैरिंग आउट सिविक एक्शन प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन ग्रांट एटसेट्रा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एनी मोर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। कूल है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। एक आध चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे अगर हम बात करें काउंटर इंसर्जेंसी, एक तरीके से ये मैकेनिज्म ही है जहां पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि रादर देन एक्टिंग ऑन द टेररिस्ट, उनको जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है एट दीज बॉर्डर विलेजेस उसको हम डिनाई करें। यानी जो लोकल पॉपुलेशन जो कहीं ना कहीं कभी कुछ केसेस में उनकी सिंपति जो है वो टेररिस्ट के साथ चली जाती है, वो चीज ना हो, वो उनका जो अल्टीमेट अलीजेंस है वो इंडिया की तरफ ही रहे। ठीक है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला है पहला फ्रंटियर होता है हमारे जो बॉर्डर्स है उनका, तो सबसे पहले अगर कोई एडवर्सरी हम पे अटैक करता है तो वो उनको इन विलेजेस के थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन हमारी फोर्सेस का जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं है या इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं है कॉमन लोकल पीपल के साथ,
तो ये चीज हमारे लिए एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा, डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसके चलते या तो माओइज्म जैसे डेवलप हुआ, वही वही सेम चीज बॉर्डर एरियाज में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो वो अल्टीमेटली पार्ट तो इंडियन इंडिया का ही है, लेकिन अगर वहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा है तो वो भी थोड़ा डिसिल्यूजन हो जाते हैं। तो इसलिए इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कैसे सॉफ्ट स्किल या सॉफ्ट टैक्टिक्स जो है पब्लिक डिप्लोमेसी के हम यूज करें टू डिनाई इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट या ओवरऑल के जो फ्रंटियर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए हमें इस टाइप के सॉफ्ट स्किल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर कुछ और ऑपरेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा ऑपरेशन सद्भावना चला था, जहां पे मिलिट्री जो थी आर्मी हमारी, वो वहाँ की जो यूथ है उनके वो एंगेज करी थी इन डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या आर्मी की जो भर्ती हो गई उसके अंदर उनको रिक्रूट कर रहे थे लार्ज स्केल पे। तो इस टाइप की सॉफ्ट स्किल या एक सॉफ्ट अप्रोच भी रखनी जरूरी है ताकि हम इंसर्जेंट एक्टिविटीज को कर्ब कर सके। ठीक है, तो इसमें और किसी को कुछ ऐड करना है? बेसिकली लोकल लोकल कम्युनिटीज इंटीग्रेशन टू द इंटीग्रेशन टू इंटेलिजेंस, लाइक मे बी कैन हैव आउटरीच ऑफ आवर इंटेलिजेंस टू दिस लोकल कम्युनिटीज, एज करेक्ट इन दे कुड बी आवर लाइक लोकल एजेंट्स, यू नो. करेक्ट। राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूज इन शॉर्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। सो सबसे पहला इसमें इंफॉर्मेशन था दिल्ली डिक्लेरेशन का। ये दिल्ली डिक्लेरेशन अभी इंडिया में एक स्पेशल मीटिंग हुआ था यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने अडॉप्ट किया दिल्ली डिक्लेरेशन। अभी दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या चीजें थी? तो पहला, नॉन बाइंडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल इन काउंटरिंग डिजिटल टेररिज्म थ्रेट। ठीक है, जो डिजिटल टेररिज्म चल रहा है जिसके अंदर आप सोशल मीडिया के अंदर पोलराइजेशन इंक्लूड कर सकते हो, डिजिटल अटैक जैसे साइबर टेररिज्म हो गया, जैसे कि इफ यू रिमेम्बर कुंडकोलम नाम का हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे एक साइबर अटैक हो गया था। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हम साइबर टेररिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ एक नॉन बाइंडिंग एक गाइडिंग प्रिंसिपल तैयार थे इसके अंदर। नेक्स्ट, काउंटर टेररिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो पेमेंट टेक्नोलॉजी है या जो मिस यूज ऑफ ड्रोन है ये सब इसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट, काउंटरिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पस एंड वाइल्ड रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जब भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, तो वहां पे ये चीज का भी ध्यान रखना कि उसमें ह्यूमन राइट वायोलेशन ना हो। जैसे इस चीज का सिग्निफिकेंस आप ड्रोन अटैक से समझ सकते हो कि अब कोई पर्सन बिना किसी एक्चुअल प्रेजेंस के एक सिर्फ रिमोट के बटन से कहीं दूर बैठा हुआ है और एक रिमोट के बटन से वो लोगों के जीना मरना जो है वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज क्लियर करने की जरूरत है कि जब भी इस टाइप के ऑपरेशन हो तो वहां पे ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट रहे। फिर डीपन करो एंगेजमेंट विद सिविल सोसाइटी। ठीक है, स्पेशली द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज। अब ये जो सीटीसी है, दैट इज काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये एस्टैब्लिश की गई थी बाय यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373। ठीक है, ये 9/11 का जो अटैक हुआ था जिसके बाद यूएस जो है वो जागा था। ठीक है, उससे पहले जब इंडिया बोल रहा था ये चीज कि टेररिस्ट अटैक हो रहा है, टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, टेररिज्म रियल है, तब यूएस भी नहीं मान रहा था उस बात को। लेकिन जब वही टेररिस्ट जिसको उसने पनाह दी थी उसने वापस उसके ऊपर अटैक कर दिया, जब 9/11 का जो अटैक जिसको आप पॉपुलरली जानते हो, WTO के ऊपर जो टावर्स थे न्यूयॉर्क के अंदर उनके ऊपर अटैक कर दिया था, उसके बाद ये सब चीजें यूएस ने स्पीयर हिट करी। ठीक है, इसके अंदर जो 15 मेंबर है यूएनएससी के वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस लग नहीं रहा है, बस पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट टेररिज्म से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव पास करवाया है। ठीक, आगे चलते हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डेवलपमेंट था इंडिया के अंदर, क्योंकि हमने एक इंडिजीनियसली तैयार किया है मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, जिसका नाम रहेगा प्रचंड। अभी इंडिया 7th कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो अटैक हेलीकॉप्टर बनाने लगा है। ठीक है, सो अभी कुछ और डिफेंस हेलीकॉप्टर के नाम बता सकते हो आप? सिंपली अगर पूछ लिया जाए, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ भी हो सकता है।
चिनूक अपाचे। हाँ करेक्ट, जो चिनुक है या चिनुक जिसको हम बोलते हैं वो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जिसमें वो दो रोटर ब्लेड्स लगे होते हैं। और अपाची जो है वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी डिटेल्स। नेक्स्ट कॉम्बैट, ये कितना ऊपर तक उड़ सकता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रेंज क्या है वो अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर से लॉन्च एक नाग मिसाइल होती है जिसका नाम है हेलिना, ठीक है, हेलिना नाग का ही एक वेरिएंट है जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जो हमारी इंटीग्रेटेड मिसाइल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके अंदर पार्ट थी। अब उसके हमने वेरिएंट बनाया नमिका और हेलिना, तो हेलिना बेसिकली हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जा सकने वाली नाग मिसाइल को कहते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट थे जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं, अभी हमने शिनुक की बात की, शिनुक एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो कि डेवलप कर रहा है टाटा और एयरबस, ठीक है, वैसे ये C295 या जो C30 हर्क्यूलिस और बाकी ग्लोब मास्टर वगैरह आप जो पढ़ते हो वो सब एयरबस बनाता है, लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं डिफेंस एंगेजमेंट हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फॉरेन टेक्नोलॉजी जो इंडिया के अंदर आए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं टाटा और एयरबस मिलकर ये C290 एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जितना भी मिलिट्री का छोटा मोटा इक्विपमेंट होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और ये कुछ एयरक्राफ्ट जो अब एज कर गए हैं, एवरो 748 इसको ये रिप्लेस कर रहा है, ये एवरो जो है हमने रशिया से लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट डर्टी बॉम्ब की बात कर रहे थे, तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी इसके रिलेवेंट पीछे की जो न्यूज है वो वही रशिया यूक्रेन वॉर में चल रहा है। तो डर्टी बॉम्ब बेसिकली एक ऐसा रेडियो एक्टिव, मतलब ऐसा एक नॉर्मल बॉम्ब है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलता है, ठीक है, अनलाइक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर बॉम्ब जहां पे आप न्यूक्लियर रिएक्शन को ट्रिगर करते हो, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन ही ट्रिगर करें, हम उस बॉम्ब के थ्रू रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना ही इसमें ऑब्जेक्टिव है, तो ये काफी चीपर है और क्विकर है रादर देन मेकिंग न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। नेक्स्ट CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने नाटो का तो नाम सुना ही होगा जिसमें बोला जाता है वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन, यानी अगर एक के ऊपर अटैक होता है तो वो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा, और नेट को स्पीयर हेड कौन करता है, तो यूएस उसको लेकर चल रहा है या पॉपुलरली उसको वेस्ट बोलते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ईस्ट ने यानी रशिया या अर्स्ट वाइल यूएसएसआर उन्होंने भी एक बॉडी फॉर्म करी, ठीक है, ये रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद फॉर्म हुई थी, इसका नाम था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इतना इसका पता होना चाहिए बैकग्राउंड। रिसेंटली इसमें से किर्गिस्तान बाहर निकल गया, तो विच इज अ वेरी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन, बस पता होना चाहिए कि CSTO क्या है, तो ये पर्पल जो आप देख रहे हो यहाँ पे रशिया बेलारूस कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तजिकिस्तान किर्गिस्तान ये सब कंट्री जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी ये इसके अंदर है, ठीक है, कुछ कंट्रीज यूक्रेन और जॉर्जिया वगैरह अजरबैजान जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी बट वो इस CSTO का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइजेस इन न्यूज में, ठीक है, तो और भी कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहां पे आपको काम आएगा, बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टाइप की अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछ सकता है, तो देखो एक्सरसाइज गरुड़ा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, ये हमारी एयरफोर्स और जो फ्रेंच एयरफोर्स है उसके बीच में ये एक एरियल एक्सरसाइज है, एरियल मतलब यहाँ पे एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्बेक्स नाम से पता लग रहा है, सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। फिर इम्पोर्टेंट आती है पावर एक्स, ठीक है, पावर एक्स किसने किया है, दिस इज डिजाइन एंड कंडक्टेड बाय सर्टेन, सर्टेन क्या है, हमारी प्रीमियर काउंटर साइबर टेररिज्म एजेंसी आप कह सकते हो, कि कभी भी किसी कंपनी को कोई साइबर अटैक फेस करता है तो उसको सबसे पहले सर्टेन को उस चीज की इत्तला करनी होती है या इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये ऐसा ऐसा अटैक हुआ है, ठीक है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम रहेगी, ये है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ठीक है, तो इन्होंने ये पावर एक्स नाम की जो एक्सरसाइज है उसको लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद पावर CSIRT, ठीक है, फॉर पावर सेक्टर यूटिलिटी, ठीक है। जैसे अगर आपने एक केस सुना हो कि मुंबई के अंदर जो ग्रिड था उसके ऊपर साइबर अटैक किया गया और उस साइबर अटैक से वो जो ग्रिड था वो फेल हो गया, अब ग्रिड जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपको आती है वो स्टॉप हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे जो ऑपरेशन है फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो स्टॉक मार्केट हो या कंपनी हो सबका ऑपरेशन ठप हो जाता है, ठीक है, उस सेंस में दीज आर सम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, पावर सेक्टर में।
Lastly, IBSA MAR. This is Multinational Maritime Exercise. India, Brazil, and South Africa navies may participate. So this was all about the security part of this October month current affairs. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है तो कर सकता है.